नमस्कार। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसका हम फिफ्थ भाग कर रहे हैं। पिछले भाग देखने के लिए आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हैं। अब इसमें px बराबर है x स्क्वायर और x का मान दिया है 0, तो हम लिखेंगे यदि x बराबर 0 px का शून्यक है तो p ऑफ x की वैल्यू यहां दी है 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम ध्यान से देख लेते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है px बराबर x स्क्वायर, तो इसमें जो x स्क्वायर है इसकी जगह हम x में x की जगह हम भरेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो 0 का स्क्वायर होता है 0 और यहां भी है 0, तो 0 बराबर 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर 0 px का शून्यक है, ठीक है जी। इसका हम एक सिक्स्थ भाग भी साथ में ही देख लेते हैं। px बराबर l x प्लस m, x की वैल्यू दी है माइनस m बटा l। आइए देखते हैं, यदि स्टेप्स वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में लिखते आए, x बराबर जो भी x की वैल्यू दी है माइनस m बटा l, px का शून्यक है तो p ऑफ x की जगह माइनस m बटा l यह 0 के बराबर होना चाहिए, तभी सिद्ध होगा कि x बराबर m माइनस m बटा l इसका शून्यक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसमें x की जगह माइनस m बटा l लिखेंगे, तो इक्वेशन है एल एक्स, तो l इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस m बटा l प्लस m, ये 0 के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं ये 0 आता है या नहीं आता है। इसमें ध्यान से देखिए, L से L कट जाएगा क्योंकि L से L भाग हो रहा है, बाकी ऊपर बच गया माइनस m प्लस m बराबर 0, माइनस प्लस माइनस m 0 बराबर 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर माइनस m बटा l, x बराबर माइनस m बटा l px का शून्यक है। यदि यह बराबर नहीं आता तो कहते शून्यक नहीं है, लेकिन यह बराबर आए हैं इसलिए हम लिखेंगे शून्यक है। आइए हम इसका एक और भाग देख लेते हैं, भाग नंबर 17। अब इसमें x की दो वैल्यूज दी हुई है, हम दोनों को हल करेंगे। कई बच्चे इस क्वेश्चन को रूट देख के ही डर जाते हैं कि या तो रूट आ गया ये हमसे होगा ही नहीं, लेकिन ये बहुत आसान है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें x की दो वैल्यूज दी हैं, तो पहले हम एक वैल्यू लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यदि पहले मैं x की ये वाली वैल्यू ले रहा हूं, x बराबर माइनस वन बाय रूट थ्री, एक्स बराबर माइनस वन अपॉन रूट थ्री। यदि x बराबर माइनस वन अपॉन रूट थ्री पी एक्स का शून्यक है तो p ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री 0 के बराबर होना चाहिए, है ना बच्चों। अच्छा अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं, पहले क्वेश्चन में पहले इसकी इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे, x है 3 इंटू x की जगह लिखेंगे माइनस वन अपॉन रूट थ्री, एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, आगे है माइनस वन,
यह जीरो के बराबर आना चाहिए। आइए देखते हैं, तीन माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, वन का स्क्वायर होता है वन बटा नीचे रूट तीन का स्क्वायर होगा तीन, माइनस वन बराबर जीरो। देखो ध्यान से, तीन से तीन कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा वन माइनस वन बराबर जीरो, वन में से वन गया जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः सिद्ध हुआ कि x बराबर माइनस वन अपॉन रूट थ्री पी एक्स का शून्यक है। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से हमने अब x की दूसरी वैल्यू लेनी है टू अपॉन रूट थ्री। आइए देखते हैं इसको भी करके, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, पी एक्स बराबर है थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन के। अब यदि x बराबर, x की वैल्यू हमने लेनी है टू अपॉन रूट थ्री, यदि x बराबर टू अपॉन रूट थ्री पी एक्स का शून्यक है तो ये सारे स्टेप्स वही हैं जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं, तो p ऑफ टू अपॉन रूट थ्री यह जीरो के बराबर होना चाहिए। तो पी एक्स में जैसे हम पहले करते आए, इस इक्वेशन में x की जगह हम x की वैल्यू लिख देंगे, यहां है थ्री इंटू x की जगह कहा गया, हाँ x की जगह लिखेंगे टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री एक्स का स्क्वायर है यानी इसका भी स्क्वायर है माइनस वन। आइए इसे हल करके देखते हैं, यह जीरो के बराबर होना चाहिए। यहां आ गया थ्री इंटू टू का स्क्वायर होता है फोर, रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, माइनस वन बराबर जीरो। जब हम इसे हल करेंगे, देखिए रूट थ्री से रूट थ्री, सॉरी थ्री से थ्री कट जाएगा, बाकी बच गया फोर, फोर माइनस वन होता है थ्री बराबर जीरो। देखिए क्या ये बराबर आए, क्या तीन जीरो के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। ये बराबर के ऊपर अगर स्लैश मार दें, ये नॉट इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर, वैल्यू ली थी हमने टू अपॉन रूट थ्री, पी एक्स का x बराबर टू अपॉन रूट थ्री पी एक्स का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह सारा काम समझ आया होगा। यदि कहीं से ना समझ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।